रवि कुमार जसल, प्रोफेशनल एथलीट। तो मेरा एथलेटिक क्लब कठुआ, जो हम गए थे नेशनल गेम खेलने के लिए, जे अलग अलग गेम थी मास्टर एथलेटिक की, वो जहाँ जो 15 साल के बच्चे एक से लेके 30 तक कैटेगरी भी थी उसमें, मतलब हमारे जैसे केबल सर जी, जहाँ धीरज जी, जहाँ दूसरे शिवान जी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर के और भी बच्चे गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला पड़ती है, वहाँ के बच्चे भी गए थे, लेकिन काफ़ी जो खाली जम्मू हमारी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के खाली आए मेडल। तो हमें भी क्या इतना ये नहीं था, हमने 3 इवेंट लड़े, मतलब मैंने खुद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, लेकिन तीनों में हमारा गोल्ड रहा। तो मतलब हमने जे चीज़ सोच के बिल्कुल नहीं गए थे, हमारा इतने मतलब मेडल हमने सोचा था बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन पूरे मतलब ऑल इंडिया का था, मतलब हर एक स्टेट के बच्चे आए थे, जहाँ कोई मस्ट कैटेगरी में जो 30 के पार थे जो, लेकिन इतना कंपटीशन हमने पीछे गए थे नेशनल उसमें भी नहीं देखा, जो कंपटीशन इतना टफ कम। मेडल 3 मेडल थे मेरे अपने पर्सनल, ऐसे देखे जाए तो 9 कठुआ की 9 गोल्ड रहे। वो क्या टारगेट किया? 8 गोल्ड हो रही है। मतलब अभी हमारा जो वहाँ से हमें जो इशारा किया गया, अभी गोवा में इंटरनेशनल है कि जो गेम हमारी इंटरनेशनल गेम है कि उसके के लिए तैयारी, उन्होंने कहा था 2023 में आप लोगों की मतलब जो देखेंगे बेस्ट टाइमिंग किसकी अच्छी, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही मतलब हर बंदे की सिलेक्शन होगी। तो मैं मीडियो का भी धन्यवाद करूँगा जो हमारे तो मैं एज ए टीचर हूँ, और मेरा नाम केवल कृष्ण, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज ए टीचर। तो मैं एथलेटिक क्लब का एक मेम्बर हूँ। तो हमने जो नेशनल खेला इंदौर में मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मेरे 3 मेडल गोल्ड पड़े। हम तो आशा भी लेकर नहीं गए थे, लेकिन ये था कि एजिटेशन हमारा पूरा था, हमने अच्छी मेहनत की थी। कम से कम हम उधर से दिल्ली से जब हम ब्रॉन्ज मेडल निकाल कर आए थे खेलो इंडिया में, वहाँ भी हमारे 2 मेडल पड़े थे। तो तब से हमने अपनी एजिटेशन जारी रखी थी। हमारे सर जो रवि जसल सर हैं, तो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं और उनकी गाइडलाइन पर हम चलते हैं। एक बात पूछना चाहूँगा कि कम सुविधाओं में इतने गोल्ड लेकर लौटे हैं, क्या देखते हैं? अगर सुविधा मिले आपको यहाँ के जो खिलाड़ी हैं तो क्या है? देखो जी, सुविधा हमें गवर्नमेंट हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसने जो खेलो इंडिया जो हर नुक्कड़ कारण में पहुँचाया है एट द पंचायत लेवल, तो हम यही युवा वर्ग से की बात की थी आपने पिछली बार भी कि ट्रैक नहीं मिल पाता। देखो हम कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बहुत अच्छे एथलीट अगर वो चाहें तो बन सकते हैं। हमारा जो दावा ही हम जो बात करते हैं वो हम एक डंके की चोट पे करते हैं कि जो अगर एथलेटिक क्लब का कोई अगर स्टूडेंट मेंबर बन, पिछली बार आपको पता है कि हमारा ही स्टूडेंट ऋतिक शर्मा वो नेशनल लेकर आया था मेडल, तो हम चाहते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक अच्छा ट्रैक बन जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उनको, नव मतलब जो डेगो जो नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारा तो मिशन यही है लाइफ का कि एक देश को अच्छा बनाना और नशे से मुक्त करना, मतलब जितने भी मतलब बैड एवल्स आर रेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो एक मतलब नव युवक या यंग पर्सन ही एक मतलब समाज को एक अच्छा बेटर बना सकता है। तो हमारा तो यही है, यही सहयोग रहेगा कि जो हम बेटर से बेटर यही सभी जो वर्ग को कहते हैं कि अपना समाज अच्छा बनाओ, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना नेशन, ताकि हमारे नेशन का जो मैसेज है ना दूसरे कंट्री को बेस्ट जाए। तो हमारा सर, मेरा नाम है धीरे ब्लोरिया, मेंबर ऑफ एथलेटिक क्लब कठुआ, और हमने पार्टिसिपेट किया SBKF नेशनल गेम्स जो हेल्ड हुई इंदौर में, जिसमें कि सर मैंने 100 मीटर और 800 मीटर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें दोनों में मेरा गोल्ड आया। और इसका पूरा क्रेडिट हमारे क्लब को जाता है, विवेक सर को, मेरे कोचिज रवि कुमार जसल जी और केवल कृष्ण जी, और मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। आगे सर टारगेट ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और नेशनल खेलेंगे, नॉर्थ जोन का ट्रायल देंगे, ओलंपिक लिए खेलेंगे, मेहनत करेंगे अभी और नेशनल खेलेंगे। खनोत्रा, मैं मेंबर हूँ एथलेटिक क्लब कठुआ का, और मैं इंदौर गया था सर के साथ और हमारी पूरी टीम गई थी, और वहाँ पे हमने नेशनल लेवल की गेम लड़ी SBKF, और वहाँ पे मेरे इवेंट्स थे 100 मीटर एंड 1500 मीटर, और मैंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मतलब 3rd पोजीशन ली है। और मैं ये पूरा वहाँ पे सर काफ़ी खिलाड़ी थे, मतलब कंपटीशन काफ़ी था सर, हीट भी हुई 2-3, और सर वहाँ पे ब्रॉन्ज लिया। और मैं सर ये पूरा क्रेडिट जो भी है मतलब अपने कोच जो हैं जिनके अंडर मैंने 1 साल मतलब वो की ट्रेनिंग की है,
और अपनी फैमिली को जिन्होंने मतलब हर स्टेप पे मेरे को मोटिवेट किया और मतलब साथ दिया, और एथलेटिक क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, उन्होंने मतलब जब भी हम प्रैक्टिस करते थे कोई भी कमी होती थी वो हमको मोटिवेट करते थे। आज यहां और ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हुआ, कितना उत्साह? उत्साह सर काफ़ी है, और हम आगे ही ऐसा मतलब मेडल वगैरह लाते रहेंगे और नाम रोशन करते रहेंगे अपनी स्टेट का। थैंक यू। बहुत ही पहले तो बड़ी मुबारक है कि हम बड़े प्रसन्न हुए कि बच्चों को देखे, ये धीरज जी हैं, मेरे साथ शिवांग जी हैं, और अपने रवि जी और केवल जी, जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं। बड़ी, और ये एक स्टूडेंट हैं आरएस गोल्डन जो हमारे इधर करोट मोड़ में है। देखिए युवाओं में यही हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि आज 8 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज का मेडल है। तो सारे मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए, हम जहाँ भी हमें संदेश मिलता है हम वहाँ पे आ जाते हैं उनके लिए कि हम कोई भी आ गया, बच्चे आएंगे, हम इसी तरह से ढोल निगाड़ों से उनका वेलकम करेंगे। आप भी मेडल लेके आए, स्टेशन पे आएंगे आपको लेने, आपके लिए खड़े रहेंगे, देश को मैसेज देंगे। हमारे भारत की बदलती तस्वीर है। देखिए युवा को नशा मुक्त करना, आज सुबह भी रैली थी नशे के, नशा मुक्त करने की। इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जहाँ भी होता है हम इन्वाइट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को और पूरे शहरवासियों को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कठुआ एथलीट क्लब की टीम ने, जिसके चेयरपर्सन हैं हमारे रवि जैसल, मास्टर केवल कृष्ण जी, धीरज बलोरिया और शिवांश नमोत्रा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो अभी 16 से 19 सितंबर को नेशनल चैंपियनशिप हुई इंदौर में, वहाँ पर 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लेके लौटी है। तो मैं इसका बड़ा धन्यवाद देता हूं इनको, और इनको मोटिवेशनल भी एक इनके लिए फंक्शन रखा जाएगा। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन एज ए जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र कुमार शर्मा जी, आरएस गोल्डन हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जसबीर सिंह भैया, और समाज सेवक बिल्लू प्रधान जी, और मीडियाकर्मी, और हमारे जितने भी यहाँ पर साथी आए हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।